हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज है हमारा लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक। ठीक है बच्चों, और वो आखिरी टॉपिक हम लोग जो सीखेंगे वो है एरर्स। ठीक है, एरर होता क्या है सबसे पहले आप समझिए एरर्स। ठीक है, तो बच्चों जब हम मेजरमेंट लेते हैं किसी क्वांटिटी को, जब हम मेजर करते हैं तो क्वांटिटी, वो जो जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो उसकी दो वैल्यू होती है। एक उसका ओरिजिनल वैल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू, ऐसा आप बोल सकते हैं। सपोज ये जो मार्कर है वो 10 सेंटीमीटर का है, आ रही बात समझ में। सपोज ये मार्कर अगर 10 सेंटीमीटर का, रियल में ये 10 सेंटीमीटर का है, समझ आ रहा है, रियल में क्या है ये 10 सेंटीमीटर का है, और हमने क्या किया इसको मेजर किया। ठीक है, हमने इसको मेजर किया, तो जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज रियल वैल्यू, और जो हमने मेजर किया, हमने अब क्या किया, एक स्केल लिया और उस स्केल से इसको मेजर किया। ठीक है, तो हमने जो मेजर किया दैट इज मेजर्ड वैल्यू। तो एक है ट्रू वैल्यू और एक है मेजर्ड वैल्यू, आ रही बात समझ में, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। तो जब कभी भी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आता है ना, जब ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू मैच नहीं करेगा, तब हम कहेंगे कि वहां पर क्या है, एक प्रकार का एरर है। ठीक है, वहां पर क्या है, एरर है। ट्रू वैल्यू जब मेजर्ड वैल्यू के इक्वल ना हो, मैच ना हो, कुछ डिफरेंस रह जाए, तो इसे हम कहते हैं एरर। आगे बात समझ में। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एरर्स के। ठीक है, द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, समझ गए क्या, द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। समझ गए बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों थियोरी ऑफ एरर्स। थियोरी ऑफ एरर्स देखो बच्चों, कारण के आधार पर, मतलब कॉज है ना, किस किस वजह से ये एरर हो सकता है, उस बेसिस पर एरर को अपन ने क्या किया है, तीन टाइप में बांट दिए हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया, इसको थ्री कैटेगरीज में बांट दिए। कौन कौन सा, इधर देखो, क्या बोल रहा हूं मैं, ये किस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कारण के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग। एक को कहते हैं बच्चों सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा रैंडम एरर, और तीसरा होता है बच्चों लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर। आई क्या बात समझ में, मैंने क्या बोला बच्चों कि किस कारण से ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, एरर हो रहा है, किस कारण से ये एरर प्रोड्यूस हो रहा है, इस आधार पर अपन एरर को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लिस्ट काउंट एरर। आई क्या बात समझ में, ठीक है। अब ये जो सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, देखो बच्चों सिस्टमेटिक एरर है, इसको क्या कहते हैं, समझो बात को, सिस्टमेटिक एरर नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इट इंक्लूड्स सिस्टम। ठीक है, जब आप किसी चीज को मेजर करते हो तो कुछ ना कुछ आपको सिस्टम लगता है, वो सिस्टम में क्या आएगा बच्चों, वो
उस सिस्टम में आएगा आपका एक इंस्ट्रूमेंट, है ना। किसी चीज को मेजर करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। आपको किसी चीज का मास मापना है तो आपको बैलेंस चाहिए, है ना, फिजिकल बैलेंस चाहिए। आपको अगर किसी चीज का लेंथ मापना है तो आपको मीटर, स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का टेम्परेचर नापना है तो आपको उसका जो है क्या बोलते हैं थर्मोमीटर चाहिए। तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है, ठीक है। साथ में आपको एक प्रोसीजर होता है ना, किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का एक सेट प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चीज में अगर कोई गड़बड़ी है, आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ी है, या फिर जो रीडिंग ले रहा है, आप अगर मेजर कर रहे हो तो आपको रीडिंग लेना होता है, आप अगर अपने रीडिंग को लेने में कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में क्या होगा, आपका जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है और उसके वजह से एरर आएगा, दैट इज सिस्टमेटिक एरर। आई क्या बात समझ में, व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर, तो आपको समझ में आया होगा कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, ठीक है बच्चों। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से जो एरर होता है, दैट इज सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन, द एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉल्ट इन इट्स सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। ओके बच्चों, द एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉल्ट इन इट्स सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हमारा जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, अगर उसमें ही कुछ गड़बड़ी है तो वो जो एरर आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे। अपन सिस्टमेटिक एरर को भी क्या कर सकते हैं बच्चों, बांट सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर के भी टाइप बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, एक सिस्टम इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट, एक सिस्टम इंक्लूड्स प्रोसीजर एंड एक सिस्टम इंक्लूड ऑब्जर्वर, ठीक है, ये तीन। तो ये तीनों चीजों में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको क्या मिलेगा, सिस्टमेटिक एरर मिलेगा। तो ध्यान रखें, सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, ये चीज नया टॉपिक आप डाल दोगे, टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो पहला हो जाएगा बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि, है ना, आपको अगर कोई मेजरमेंट लेना है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, जैसे कि टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर, मास मापने के लिए एक बैलेंस चाहिए, लेंथ मापने के लिए एक मीटर स्केल चाहिए, इस तरीके की चीजें आपको चाहिए, क्लियर है बच्चों। तो जैसे कि थर्मोमीटर है, अगर वो थर्मोमीटर ही खराब हो, ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर की रीडिंग देगा वो ऑब्वियसली गलत देगा, आ रही बात समझ में। या फिर जो बैलेंस है, ठीक है, आप देखते हो आजकल शॉप में क्या लगे होते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिटल, है ना, आजकल डिजिटल बैलेंस आ गया है, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चों कई बार क्या होता है कि आपके पास एक, मतलब उसके ऊपर बकेट होता है ना, बैलेंस के ऊपर एक बकेट होता है, तो वो बकेट के साथ आपको क्या रीड करता है, जीरो रीड करता है। तो अगर कोई वो बकेट हटा दोगे तो उसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यू शो करेगा, है ना, उसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यू शो करेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बिना बकेट के उस पर कुछ मेजरमेंट लूंगा तो सही मिलेगा क्या, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में 0-0 रीड नहीं कर रहा था। आप बकेट रखोगे तो वो 0-0 रीड करेगा, उस समय आप कोई मेजरमेंट लोगे तो आपको सही मिलेगा, लेकिन विदाउट बकेट अगर डायरेक्टली कोई चीज उसके ऊपर रख दिया और उसको मेजर करोगे तो आपको जो है ना कुछ गलत वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब
फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट का जीरो जो है ना बिफोर बिफोर टेकिंग रीडिंग वो पूरी तरीके से जीरो जीरो नहीं है, तो आपको क्या होगा, गलत रीडिंग मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप ये वाला बैलेंस यूज करते हो, है ना, जिसको बोलते हैं अपन फिजिकल बैलेंस, तो देखना क्या करा जाता है भाई, पहले देखा जाता है कि दोनों तरफ के जो पैन है वो इक्वल है कि नहीं, दोनों तरफ के पैन इक्वल है या नहीं। ठीक है, अगर दोनों तरफ के पैन इक्वल नहीं है तो भी वहां पर आपको क्या होगा, गलत गलत रीडिंग मिलेगी। आप जब जाते हो क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पर देखना लिखा रहता है मोटे अक्षरों में कि वॉच जीरो बिफोर फिलिंग। ठीक है, भरने से पहले जीरो देख लें, है ना, क्योंकि अगर जीरो नहीं है तो वो आपको क्या देगा, रीडिंग दे रीडिंग गलत देगा। आ रही बात समझ में? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट अगर जीरो नहीं शो कर रहा है उसका, है ना, जीरो मैच नहीं करता, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। ठीक है, तो भाई ये हो गया पहला टाइप। दूसरा होता है बच्चों इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर, इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर। हम जो मेजरमेंट लेने के लिए प्रोसेस यूज कर रहे हैं, प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो भी क्या होगा बच्चों, तो भी क्या होगा, आपको जो है मेजरमेंट गलत मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लूं कि मैं मुझे क्या करा गया, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे बोला मुझे फीवर टाइप से लग रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, थर्मोमीटर दिया और थर्मोमीटर को बोला कि यहां पर लगा लो, है ना, इस तरीके से थर्मोमीटर को यहां लगा लो। तो भाई अब अगर आप इसको सही से नहीं लगाओगे, है ना, कुछ आड़ा टेढ़ा लगा दिया, ऐसा लगा दिया, तो आपको क्या होगा, रीडिंग सही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या यूज कर लो, आप मान लो जो हमारा थर्मोमीटर है वो तो सही है ना, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, लेकिन हम लगा उसको गलत रहे हैं, हम उसको यूज गलत तरीके से कर रहे हैं, हमको जो उसका मेजर करने का प्रोसीजर है वो अगर गलत है तो आपको क्या मिलेगा, रीडिंग गलत मिलेगा। वैसे भी सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ये करने का, थर्मोमीटर से रीडिंग लेने का, मुंह पे रखने का। ठीक है, तो मुंह पे अगर सही से रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा, यहां रखेंगे आड़ा टेढ़ा रखेंगे, सही से नहीं रखेंगे तो गलत रीडिंग आएगा, तो वो कहलाता है बच्चों इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर, प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप होता है बच्चों, तीसरा टाइप होता है पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। ओके, पर्सनल एरर ये कब होता है, आपकी वजह से होता है, जो रीडिंग ले रहा है उसकी वजह से होता है। तो जो बंदा रीडिंग ले रहा है अगर वो केयरलेस टाइप का है, वो ध्यान से नहीं कर रहा, बात समझ में आ रही है, वो ध्यान से नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट को, वो अच्छे से रीडिंग नहीं ले रहा है। अच्छे से रीडिंग लेने का मतलब है कि आप थोड़ा ध्यान दें, है ना, एक एक जो उसके डिविजन्स है उसको अच्छे से काउंट करें। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में, है ना, ऐसे तैसे आपने रीडिंग ले ली, कुछ भी पढ़ लिए, है ना, तो फिर गलत रीडिंग आएगी। वैसे भी जैसे कि मान लो एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल में क्या होता है भाई, इस तरीके से डिविजन्स बने होते हैं, तो आपका काम क्या है, इसको पूरी तरीके से, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर देखने का, आप आड़ा टेढ़ा ऐसे जैसे तैसे सूत साथ के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, रीडिंग गलत मिलेगा। आ रही बात बच्चों समझ में? तो अगर हम हमारी पर्सनल कारण की वजह से कोई एरर आता है तो दैट इज पर्सनल एरर। सो सिस्टमेटिक एरर इज ऑफ थ्री टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर और पर्सनल एरर। ठीक है, इस तरीके से, तीन तरीके से आपके आपके इसमें जो है सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, सिस्टमेटिक एरर की प्रॉपर्टी होती है, सिस्टमेटिक एरर की प्रॉपर्टी होती है, इसके नीचे ही लिखना, सिस्टमेटिक एरर के कॉलम में ही लिखना। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, सिस्टमेटिक एरर की प्रॉपर्टी, पहली बात देखो बच्चों, ये वन साइडेड एरर होता है, इट इज वन साइडेड एरर। दूसरी बात हुआ, या फिर इसी को बोल सकते हो, दैट इज इट्स डायरेक्शन ऑफ एरर, डायरेक्शन ऑफ एरर इज नोन,
इट्स डायरेक्शन ऑफ एरर इज नोन। तो देखो ये क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक एरर के बारे में हमने बोला कि ये वन साइडेड एरर होता है, इसका डायरेक्शन ऑफ एरर जो है वो पता होता है। इट्स वन साइडेड एरर, इट्स डायरेक्शन ऑफ एरर इज नोन। क्लियर है बच्चों, इट इज वन साइडेड एरर, दैट इज इट्स डायरेक्शन ऑफ एरर इज नोन। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? तो जब इसका डायरेक्शन ऑफ एरर नोन है, डायरेक्शन ऑफ एरर नोन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको खत्म भी कर सकते हो। मतलब आपको पता है, जैसे कि मैंने बोला, मैंने आपको बैलेंस वाला एग्जांपल दिया है ना बच्चों, बैलेंस वाला एग्जांपल दिया। तो जैसे कि वो स्टार्टिंग में मान लो आपने कुछ नहीं रखा है उसके ऊपर, वो फिर भी 400 ग्राम्स दिखा रहा है, ठीक है, फिर भी 400 ग्राम्स दिखा रहा है। अब आपने उसमें कुछ डाला, ठीक है, और आपने उसको 1 kg मेजर किया, ठीक है, आपने उसमें 1 kg मेजर किया, तो बच्चों आपको पता है कि उसमें 400 ग्राम पहले से था, उसमें 400 ग्राम पहले से था, और अभी आप 1 kg यानी 1000 ग्राम मेजर कर रहे हो, ठीक है, अभी आप उसमें 1000 ग्राम मेजर कर रहे हो, दैट मीन्स आपके पास आया कितना, ओनली 600 ग्राम्स। तो आपने मेजर कितना किया 1000 ग्राम, और उसमें से जो पहले से एरर था, पहले उसको स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए था, जीरो, लेकिन वो क्या शो कर रहा था 400, तो वहां पर 400 ग्राम का पहले से एरर था, उसको कहते हैं बच्चों जीरो एरर। क्या कहते हैं उसको? जीरो एरर। जब जीरो स्टार्टिंग में मैच नहीं करता, उससे कुछ और वैल्यू होता है, प्लस या माइनस, तो वो क्या कहलाता है, जीरो एरर कहलाता है, ठीक है, प्लस में हुआ तो प्लस जीरो एरर, माइनस में हुआ तो माइनस जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, तो जीरो एरर कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले से उसमें 400 ग्राम शो कर रहा था, करना कितना चाहिए था जीरो, अब वो कितना शो कर रहा है 1000 ग्राम शो कर रहा है, तो आपने आपका मेजरमेंट कितना हुआ एक्चुअल में जो मेजरमेंट हुआ वो क्या हुआ 1000 माइनस 400 600 ग्राम्स, ठीक है, 600 ग्राम्स ही हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपको पता था कि यहां पर क्या है 400 ग्राम वो मेरे को एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 400 ग्राम क्या दिखा रहा है, वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो उस 400 ग्राम को आपने माइनस कर लिया और आपको ट्रू वैल्यू मिल गई, है ना, सही रीडिंग मिल गई। आ रही बात समझ में? तो जो सिस्टमेटिक एरर होता है उसका मुझे डायरेक्शन पता होता है कि उसमें प्लस 400 था, प्लस 400 था, तो मैंने रीडिंग में उसको क्या कर लिया, माइनस 400 कर लिया, सही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को डायरेक्शन पता होता है इसमें। आगे बात समझ में? इट इज वन साइडेड एरर, दैट इज इट्स डायरेक्शन इज नोन। अब चूंकि इसका कारण भी पता है ना, इसका रीजन भी पता होता है, सेकेंड इट्स सोर्स ऑफ एरर इज ऑल्सो नोन, ठीक है। ये एरर क्यों हो रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट देख के पता कर रहे हो कि उसमें ना जीरो मैच नहीं कर रहा, जीरो मैच नहीं कर रहा है मतलब जीरो एरर है, तो पता है अपने को उसमें एरर है, ठीक है। तो उसका सोर्स ऑफ एरर आपको अच्छे से पता है, क्या चीज, कि भाई ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से है ना, ये जो है इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से, तो दैट्स व्हाई वी नो द सोर्स। तो भाई जहां पर आपको कारण भी पता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी पता है, तो उस एरर को आप आसानी से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, आसानी से खत्म कर सकते हो। तो तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। इस एरर को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, इस एरर को हटाया जा सकता है। कैसे भाई, अगर जीरो एरर है तो उसको हटा लेंगे, है ना, जीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या कर लेते हैं, मेजर्ड वैल्यू से माइनस कर लेते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, और अगर नेगेटिव एरर है तो उसको रीडिंग में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास तरीका होता है जिससे हम उस एरर को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर के ये प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग रैंडम एरर के बारे में, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर की बात हो गई, रैंडम एरर की बात करते हैं हम लोग। रैंडम एरर क्या होता है बच्चों, अचानक हुई किसी परिस्थिति की वजह से, मौसम में परिवर्तन की वजह से, फिजिकल कंडीशन में परिवर्तन की वजह से, अचानक से कोई हवा चल गया, अचानक से वोल्टेज बढ़ गया, अचानक से करंट बढ़ गया, ठीक है, ऐसी किसी गलती की वजह से अगर आपका एरर आता है तो दैट इज रैंडम एरर।
बात आ रही समझ में? रैंडम एरर क्या होता है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, रैंडम एरर का कुछ भी कारण हो सकता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसा सिस्टमेटिक एरर में आप प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, उसका डायरेक्शन पता था, उसका सोर्स पता था, यहां पर आपको ना तो सोर्स पता होता है ना तो डायरेक्शन पता होता है, रैंडमली हो सकता है। ठीक है, दिस इज रैंडम एरर। आई बात समझ में? इसका कोई सोर्स नहीं पता चलता, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आप समझते हो, सिंपल पेंडुलम होता है वही कि एक धागा लिया, मतलब एक स्ट्रिंग लिया और उसको ऐसे सपोर्ट कर दिया और इधर एक बॉब लगा दिया। ठीक है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। आप इसको थोड़ा सा मूव कर दोगे तो ये इस तरीके से क्या होता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, तो एक बार यहां से यहां गया और यहां आया तो जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए, इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए अगर अपन कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पर मान लो क्या होता है बच्चों, अचानक से हवा चल गई तो हवा इसको क्या करेगा बच्चा, अफेक्ट करेगा, है ना? हवा क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, तो उससे एक एरर आ जाएगा। तो इस टाइप के जो एरर होंगे अपन उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर बोलेंगे। आ रही बात समझ में बच्चों? तो दिस इज रैंडम एरर। ठीक है, जिसका सोर्स नहीं पता होता, जिसका डायरेक्शन नहीं पता होता, ऐसी चीजें। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या लिख लेंगे बच्चों, द एरर अकर्ड अकर्ड ड्यू टू फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा इज कॉल्ड रैंडम एरर, इज कॉल्ड रैंडम एरर। आ रही बात समझ में बच्चों? द एरर अकर्ड, है ना, द एरर अकर्ड ड्यू टू फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब की वजह से, ये सब के वेरिएशन की वजह से जो एरर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर बोलेंगे। ओके बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, कि इसका जो है अपने को डायरेक्शन भी नहीं पता होता, सोर्स भी नहीं पता होता। ठीक है, पहला हो गया इट्स डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड। क्या कहने का मतलब है, देखो बच्चा, सिस्टमेटिक एरर में, सिस्टमेटिक एरर में अगर हमने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया, उसमें एक बार मुझे पता चल गया कि उसमें पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो उसमें हर बार जो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे तो हर बार उसमें उतना ही पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है, कभी हो सकता है वो पॉजिटिव दे दे, कभी हो सकता है वो नेगेटिव दे दे, है ना? क्यों? क्योंकि हर समय क्या हो रहा है, फिजिकल कंडीशन चेंज हो रहे हैं, फिजिकल कंडीशन चेंज होने से कभी पॉजिटिव दे देगा, कभी नेगेटिव दे देगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो आप श्योर नहीं, यू आर नॉट श्योर, वहां पर आप क्या थे, श्योर थे किधर एरर हो रहा है, यहां पर आप श्योर नहीं हो। ठीक हो, तो इट्स डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। दूसरा, दूसरा सोर्स ऑफ एरर इज नॉट नोन। ठीक है, यहां पर सोर्स के बारे में भी अपने को पता नहीं होता एग्जैक्टली, सोर्स ऑफ एरर के बारे में भी एग्जैक्टली पता नहीं होता। ठीक है, तीसरी चीज, इसको आप कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, इस एरर को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। इट कांट बी मेड जीरो, इस प्रकार के एरर को आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। इट कांट बी मेड जीरो, बट वी कैन मिनिमाइज इट, मिनिमाइज इट, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। हाउ? बाय टेकिंग मेनी रीडिंग्स, बाय टेकिंग मेनी रीडिंग्स एंड देन टेकिंग मीन ऑफ ऑल
क्या बोला मैंने कि इसके एरर को हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय टेकिंग बहुत सारा रीडिंग। एक ही चीज को हम लोग बार बार मापेंगे, बार बार। आपने कभी अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना, अपने स्कूल में अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो एक ही चीज की देखना, 3 से 4, 5, 6 रीडिंग ऐसा लेते हैं, 10-10 रीडिंग लेते हैं सेम चीज की, याद है आपको? तो एक ही चीज है भाई, तो उसको 10 बार क्यों नापना, ठीक है? एक ही चीज की रीडिंग ले रहे हैं तो अपन 10 बार क्यों नापते हैं? 10 बार इसलिए नापते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उसको मेनी रीडिंग्स, कई सारे रीडिंग्स लेकर के और फाइनली उसका क्या ले लेते हैं हम लोग, एवरेज मीन निकाल लेते हैं। तो अगर हम एक ही चीज के कई सारे रीडिंग लें और फिर उसका एवरेज निकाल दें, मीन निकाल दें, तो आपको ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत ही एरर बचेगा, ठीक है। तो रैंडम एरर से बचने का तरीका क्या है बच्चों, रैंडम एरर को खत्म करने का तरीका क्या है, टेक मेनी रीडिंग्स एंड देन टेक एवरेज ऑफ ऑल दोज रीडिंग्स, सभी की अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो आपको जो रीडिंग मिलेगा वो ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा। आई क्या बात समझ में, क्लियर है? तो ये तरीका होता है रैंडम एरर को समाप्त करने का, ठीक है बच्चों। अब बचा क्या बच्चों, लिस्ट काउंट एरर, ठीक है, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जैसे कि एक मीटर स्केल, आपके कंपास बॉक्स में एक जो ये छोटा वाला स्केल होता है उसको बाहर निकालो और देखो, ठीक है। तो अगर आप इस स्केल को देखोगे बच्चों, ठीक है, इस तरीके का स्केल आपका, तो इसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इस तरीके से रहता है ना, ये बड़े बड़े डिविजन्स हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे आपके पास 15 सेंटीमीटर है ना, जो छोटा वाला स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है कि नहीं। अब फिर आप क्या देखोगे बच्चों कि ये जो डिविजन है उसके अंदर भी छोटे छोटे 10 डिवीजन है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे 10 डिवीजन होते हैं, समझ में आया क्या? तो जो इसके सबसे छोटे वाले डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना, वो कितना का होगा? तो बच्चों ये बड़ा डिवीजन 1 सेंटीमीटर का, और उसको फिर हमने क्या किया, 10 डिवीजन किया, तो 1 डिवीजन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1 डिवीजन हो गया 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर। इस स्केल का जो आपके पास जो मीटर स्केल है उसका जो सबसे छोटा डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है, वो कितना कितना लंबा है, 0.1 सेंटीमीटर है, समझा क्या बच्चों? तो मान लो बच्चों कि किसी चीज को हमने मेजर करना है और वो आया समथिंग, सपोज ये मान लो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा है, ठीक है, तो यहां आया सपोज, ठीक है, यहां पर किस चीज को, है ना, किसी लंबाई को ऐसा लगाया तो इस तरीके से आया, ठीक है, ऐसा, ओके। तो आपने काउंट किया कि कितने डिवीजन हुए, तो यहां तक 10 और ये 5, 15 डिवीजन हुए, ठीक है बच्चों, 15 डिवीजन, और हर एक डिवीजन कितने का है, 0.1 का, तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, लेंथ कितना हो गया भाई, 1.5 सेंटीमीटर हो गया। आई क्या बात समझ में, क्या बात समझ में आया भाई, कि इसका जो रीडिंग है ना वो 1.5 सेंटीमीटर हो गया, अच्छे से समझ में आया आपको? अब लेकिन बेटा अगर ये जो है ये यहां कहीं आता 4 और 5 के बीच में, ठीक है, 4 और 5 के बीच में अगर आता तो फिर क्या करते, तो यहां तक तो वी आर श्योर, ये 4 तक तो हम श्योर है, कितना होगा भाई कि चौथे डिविजन तक हो गया मेरा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर। अब जो ये इसके बीच में आ रहा है तो वहां तो कोई डिविजन्स नहीं है, वहां पर कुछ रीडिंग्स नहीं है, उसको कैसे लोगे,
ठीक है, वो आपको अंदाजा लेना पड़ेगा, बीच में लग रहा है तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, है ना, उसके बारे में आप श्योर नहीं हो, फिक्स नहीं हो। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर का है, उसके अंदर कोई वैल्यू लेना पड़ेगा, इससे छोटा कोई वैल्यू लेना पड़ेगा तो हम सही से उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। आई के बाद समझ में? इससे छोटा किसी वैल्यू को हम सही से मेजर नहीं कर पाएंगे, वहां पर गलती हो जाएगी, वहां पर एरर हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको प्रोड्यूस होगा एरर होने की पॉसिबिलिटी। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो लिस्ट काउंट एरर क्या होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से हम जो सबसे छोटा वैल्यू सही सही माप सकते हैं उसको बोलते हैं बच्चों लिस्ट काउंट कहते हैं। आई बात समझ में? तो व्हाट इज लिस्ट काउंट? द मिनिमम वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट करेक्टली इज नोन एज लिस्ट काउंट। तो इस जो आपके पास मीटर स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट कितना है बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं किसकी लेंथ जो कि 0.1 सेंटीमीटर से छोटा है, जैसे कि 0.005 सेंटीमीटर मापना है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं आप लोग लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट में गड़बड़ी की वजह से यहां एरर हो रहा है, ठीक है, तो अपन इसको नहीं मेजर कर पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट मैं आपको बता देता हूं बेटा, सी व्हाट इज लिस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी taken from an instrument, that can be taken from an instrument, ठीक है बच्चों, the smallest measurement that can be taken from an instrument correctly is called its least count. लिस्ट काउंट। आई के बाद समझ में? इसको क्या कहते हैं बच्चों? अपन लिस्ट काउंट कहते हैं। अच्छे से समझ में आया आपको? तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना लिस्ट काउंट होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है, उससे छोटा मेजर नहीं कर सकता है, तो उसके पास वो क्या हो गई? लिस्ट काउंट हो गई। जैसा कि मैंने बोला कि मीटर स्केल का लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना हो गया था बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो जनरली जो आपका मीटर स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया लिस्ट काउंट क्या होता है। तो अगर किसी वैल्यू को आप माप रहे हो जो आपके इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट से छोटा है, ठीक है, आपके इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट से छोटा है, तो वो आपको क्या देगा? लिस्ट काउंट एरर देगा। समझ गए क्या? ठीक है, तो इफ इफ मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन लिस्ट काउंट then there will be list count error। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि 0.1 से छोटा, ऐसा अगर मान लो बच्चों इसमें 1.4 सेंटीमीटर मेजर करना है तो मैं क्या ले लूंगा? 14 डिवीजन ले लूंगा। मेरे को 1.5 सेंटीमीटर मापना है तो मैं क्या करूंगा? 15 डिवीजन ले लूंगा। इस तरीके से चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप जो है ना क्या करो, 1.44 सेंटीमीटर मेजर करो, 1.44 सेंटीमीटर मेजर करो, फिर कैसे करोगे? आप क्या कर सकते हो? 1.4 सेंटीमीटर तक करेक्टली मेजर कर सकते हो, क्योंकि तब आपको क्या लेना पड़ेगा? 14 डिवीजन। आप 1.5 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हो क्योंकि आपको कितना लेना पड़ेगा? 15 डिवीजन। लेकिन 1.44 सेंटीमीटर कैसे मेजर करोगे आप?
14 डिवीजन और 15 डिवीजन के बीच लेना पड़ेगा, 14 डिवीजन और 15 डिवीजन के बीच का वैल्यू लेना पड़ेगा। अब वहां पर आपके पास कुछ रेफरेंस ही नहीं है तो आप सही से नहीं बता सकते कि हाँ भाई यहीं पर आएगा 1.44। आई बात समझ में? तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या, लिस्ट काउंट एरर। यहां पर क्या हो जाएगा आपको, लिस्ट काउंट एरर हो जाएगा। आ रही बात समझ में बच्चों? अच्छे से समझा, दिस इज लिस्ट काउंट एरर। ओके, तो बच्चों इतने टाइप के एरर होते हैं हमारे पास, ठीक है, इतने टाइप के एरर्स होते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा कि एरर क्या होते हैं, एरर के टाइप्स सीखे हमने। नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एरर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ एरर्स आर एक्सप्रेस्ड, कैसे कैसे एरर्स को अपन एक्सप्रेस करेंगे और उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर है उसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, आगे के लेक्चर में इसकी आगे की चीजें सीखेंगे। ओके बच्चों, टिल देन टाटा बाय बाय।